शारीरिक दुर्बलता भएकाहरुका लागि उत्साह प्रदान गर्न भारत नेपाल मित्रवत सवारी यात्रा गर्दै शारीरिक रूपमा अशक्त दुई भारतीय नागरिक नेपाल आएका छन्। भारतको कुरुक्षेत्रदेखि पर पानीपथबाट निजी सवारी चलाएर सुनौली नाका हुँदै नेपाल पसेर बुटवलदेखि चितवन हुँदै काठमाडौँ आएका हुन्। पशुपतिको दर्शनपछि उनीहरू काठमाडौँमा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रममा सहभागी भएर हेटौँडा हुँदै वीरगञ्जबाट भारत छिर्ने बताइएको छ। पूर्ण रूपमा शारीरिक अशक्त कसैको सहारा बिना हिँड्नै नसक्ने मानिसले यति धेरै लामो दूरीमा सवारी चलाएर यात्रा गरेको यो नै पहिलो भएको राइडरहरूको नेपाली संस्था रोयल राइनो राइडरका उपाध्यक्ष गोकर्ण महतोले बताउनुभयो। यात्रामा अनुज टन्डनले कार चलाउनु भएको छ, एकजना व्हील चेयर सहयोगी समेत साथमा ल्याइएको छ। सवारी चालक अनुज टन्डनको ढाडदेखि तलको भाग छैन, अर्का अमित जागडाको एकवटा खुट्टा नभएको बताइएको छ। अमित जागडाले यसअघि भारतको कश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म मोटरसाइकल चलाएर रेकर्ड राखिसक्नु भएको छ। असक्षमता भन्दा क्षमता बलियो छ भनेर विश्वलाई देखाउन र आफूहरू जस्तै शारीरिक रूपमा अपूर्ण रहेकालाई ऊर्जा र उत्प्रेरणा दिन यो यात्रामा निस्किएको राइडर अनुज टन्डनले बताउनुभयो। पानीपथबाट काठमाडौँसम्म 1300 किलोमिटरको दूरी पार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मैं अनुज टंडन, पानीपत हरियाणा से हूँ, इंडिया। हम लोग पानीपत से चल के कार में काठमांडू के लिए निकले हैं। हम लोग दिव्यांग हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग चल नहीं सकते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है ये राइड करने का वो ये है कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो अपने आप को एक जगह बंद ना करके दुनिया को देखें। दुनिया बहुत खूबसूरत है और अपने आप में जीने की एक चाह रखें ताकि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें बाकी लोगों से। यति लामो दूरीमा सवारी चलाउँदा आफूमा कुनै पनि कमजोरी महसुस नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। अर्का राइडर अमित जागडाले शारीरिक रूपमा अशक्त अपाङ्ग भए पनि मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सके, उसले आँट गरे जस्तो सुकै चुनौती सामना गरेर पनि सफल बन्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरेर देखाउन यो प्रयास गरेको बताउनुभयो। मेरा नाम अमित जागडा है, मैं पानीपत हरियाणा इंडिया से बिलोंग करता हूँ और हमने इंडो नेपाल फ्रेंडशिप राइड रखी है। हमने 11 तारीख को जो है पानीपत से अपनी यात्रा शुरुआत की थी। पानीपत से हम आगरा, आगरा से लखनऊ, गोरखपुर होते हुए आज हम जो है चितवन में पहुंचे हैं। चितवन में पहुंचने पर जो है हमारे गोकर्णा भाई साहब ने हमारा बड़ा ही शानदार खूबसूरत स्वागत किया है, और हमारा जो उद्देश्य है वो दिव्यांग जन को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। हम स्वयं दिव्यांग होकर के लगभग 1500 किलोमीटर हम खुद से गाड़ी चला के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम दिव्यांग जनों से मिल भी रहे हैं और भारत और नेपाल के जो भी दिव्यांगजन हैं, क्योंकि हमारी भाषा एक है तो जाहिर तौर पे हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो दिव्यांग है वो अपने आप को घर की चार दीवारी में कैद कर लेता है। बहुत से दिव्यांगजन ऐसे हैं जो कभी अपने गाँव से, अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में कोई दिव्यांग है और उसके पड़ोसी को भी ये नहीं पता लग पाता कि इस घर में कोई दिव्यांग है, जिसकी वजह से उसको सरकार द्वारा दी गई कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हमारा उद्देश्य है कि अगर हम हरियाणा पानीपत से चल के नेपाल काठमांडू तक आ सकते हैं तो वो दिव्यांग अपने गाँव से, अपने घर से निकल कर अपने ज़िले या अपने राजधानी तक क्यों नहीं जा सकते, वो बिल्कुल जा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि कोई जो दिव्यांगजन हमारी वीडियो देख रहा है और जो सामान्य जन हमारी वीडियो देख रहा है उनसे यही अपील है कि अपने आस पड़ोस में यदि कोई दिव्यांग दिखे तो उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें ताकि वो भी सामान्य जन के समान जो है जीवन जी सके। अरू असक्षमहरूलाई आत्मविश्वास बढाउँदै उत्प्रेरणा प्रदान गर्न आफूहरू यात्रामा निस्किएको जागडाको भनाइ छ। प्रकाश सिग्देल, चितवन। चितवनको शान शुद्धताको एउटै नाम बिन्दवासिनी प्रिमियम शुद्ध तोरीको तेल। थोपा, थोपामा शुद्धता। बिन्दवासिनी प्रिमियम शुद्ध तोरीको तेल अब विभिन्न साइजहरूमा पनि उपलब्ध।